तो भाई अपनी बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400 चल चुकी है, 1667 किलोमीटर ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए बाइक ने, और बाइक की फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है, आप सबको पता ही है। जिसने बाइक की फर्स्ट सर्विस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जाके अपने चैनल पर देख सकते हो। लेकिन आप सब लोगों की डिमांड थी कि भाई फर्स्ट सर्विस होने के बाद बाइक की टॉप स्पीड एक बार बिल्कुल चेक करके दिखाना कि भाई बाइक की टॉप स्पीड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटू के मोटो व्लॉग्स। और आज आप सभी लोगों की डिमांड पे अपनी स्पीड 400 की टॉप स्पीड को एक बार फिर से टेस्ट करने वाले हैं कि फर्स्ट सर्विस होने के बाद बाइक की टॉप स्पीड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। वैसे यार मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि बाइक की टॉप स्पीड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड पे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि बाइक की टॉप स्पीड इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो आज एक बार परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो जाएगा कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो बाइक कितने टाइम में अचीव करती है। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट अपने हेलमेट वाले सेटअप के साथ में। सो अपने पास आज बढ़िया हाईवे भी है और अपनी बाइक भी रेडी है, तो एक बार अपनी बाइक की सबसे पहले 0 to 100 कितने टाइम में अचीव करती है। यस, तो भाई आज 170 किलोमीटर पर आवर की ऑलमोस्ट बाइक ने टॉप स्पीड टच कर दी है। और उसके बाद फिर लिमिटर आ गया था, बाइक ने पीछे बैक मारना स्टार्ट कर दिया था स्पीड। सो अब अपनी बाइक की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास बिल्कुल पहुंच रही है बड़े प्यार से। सो यार बढ़िया हाईवे होता है ना, उसी पे बाइक की टॉप स्पीड अच्छी से टेस्ट हो पाती है, और 168-169 के आसपास ही होगी वो। तो आप लोगों के लिए यार एक बार फिर से मैंने टॉप स्पीड टेस्ट कर लिया है। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @KTKMotoVlogs। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।